नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉर्क और पावर मेजरमेंट की बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम डायनामोमीटर की बात करेंगे। तो हम डायनामोमीटर के पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट वन को अभी पढ़ेंगे और पार्ट टू को इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले हम इस बात को याद करते हैं कि टॉर्क मेजरमेंट के जो टॉपिक है उसको हमने पहले भी देख चुके हैं। हम L8 में एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेजेस एंड वेरियस ब्रिज कन्फिग्रेशन वाले चैप्टर में L8 को आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर टॉर्क का मेजरमेंट जो है स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल करके हुआ था। चलिए तो अब हम यहाँ पे डायनामोमीटर का इस्तेमाल करके कैसे टॉर्क को मेजर कर सकते हैं और पावर को मेजर कर सकते हैं, इस बात को आगे देखने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं डायनामोमीटर को और उसके डिफिनेशन से। डायनामोमीटर कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग फोर्स, स्पीड, पावर एंड टॉर्क। यहाँ पर मैंने पावर और टॉर्क को रेड करके दिखाया है, ज़्यादा इम्फेसिस देने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि जब भी आप टॉर्क और पावर मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर फोर्स तो ऑलरेडी मेजर हो ही जाएगा और स्पीड भी मेजर हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्क और पावर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और मोर स्पेसिफिकली टॉर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जब टाइप्स की बात करते हैं तो डायनामोमीटर के दो टाइप्स हैं, एक है एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर और दूसरा है ट्रांसमिशन डायनामोमीटर। अब ये टाइप्स कैसे डिसाइड किया गया है ये तो हम आगे देखेंगे, इसके पहले हम इनकी फैमिली ट्री को देख लेते हैं। ठीक है, डायनामोमीटर के दो बेटे हैं, एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर और ट्रांसमिशन डायनामोमीटर। फर्दर एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर के चार बच्चे हैं, पोनी ब्रेक डायनामोमीटर, रोप ब्रेक डायनामोमीटर, बैंड ब्रेक डायनामोमीटर, फ्रॉडी हाइड्रोलिक डायनामोमीटर। दूसरी तरफ ट्रांसमिशन डायनामोमीटर के तीन बच्चे हैं, एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनामोमीटर, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामोमीटर और टॉर्जन डायनामोमीटर। तो ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन को देखा, अब एक एक करके देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर क्या है और ट्रांसमिशन डायनामोमीटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर। एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर का नाम यहाँ पे देखिए, नाम से सीधा है कि एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस डायनामोमीटर में। तो कौन ऐसी चीज़ है कि जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आप पाएंगे कि इस पर्टिकुलर डायनामोमीटर में पावर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, पावर जो है एब्जॉर्ब हो रही है। अब इस बात को समझते हैं, आप यहाँ पे किस चीज़ का टॉर्क या फिर पावर मेजर कर रहे हैं, किसी रोटेटरी बॉडी का, किसी रोटेटरी शाफ्ट का। ठीक है, अब उस रोटेटरी शाफ्ट का पावर मेजर करने के लिए आप उससे उस पर जो है डायनामोमीटर अप्लाई करते हैं, डायनामोमीटर का यूज करते हैं उस पावर को मेजर करने के लिए या फिर टॉर्क को मेजर करने के लिए। तो अब क्या करता है, एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर का कंसेप्ट है, वो ऐसे सारे डायनामोमीटर जो उस पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, किसी तरीके से रोकते हैं, फ्रिक्शनल इस्तेमाल करके आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, मतलब जो सॉफ्ट मूविंग है उसको बिल्कुल स्लो करते करते उसकी रोटेशनल स्पीड जीरो कर देते हो। तो कितना टाइम लगा और उसके हिसाब से आप एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर का कंसेप्ट लेके आते हो कि कितना टाइम लगा, तो कितना टॉर्क रहा होगा और कितना पावर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको पता है कि वर्क डन बाय प्राइम मूवर जो है फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आपको पूरे शाफ्ट को रोकना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर जो इनके बच्चे हैं उनका नाम में ज़्यादातर तीन के नाम में तो ब्रेक आ रहा है, ब्रेक मतलब किसी इसको जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर गेट के लिए हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब आप समझिए कि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और दूसरा जो टाइप है ट्रांसमिशन डायनामोमीटर, वो हमारे लिए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर का कंसेप्ट और ये कैसे हीट में डिसिपेशन होता है, ये सारा चीज़ हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए छोड़ते हैं और आगे एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हम ट्रांसमिशन डायनामोमीटर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन डायनामोमीटर में ट्रांसमिशन होना है, किसका ट्रांसमिशन होना है, पावर का ट्रांसमिशन होना है। पावर का ट्रांसमिशन कैसे होना है, इसके स्कीम के हिसाब से इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, लाइक एपिसाइक्लिक ट्रेन, बेल्ट टाइप और टॉर्जन टाइप, ये कैसे ट्रांसमिट कर रहा है पावर को, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे क्या होता है कि अब जो शाफ्ट मूव कर रही है उसको आप रोकते नहीं हैं, बल्कि उसको चलने देते हैं, उससे कुछ और डायनामोमीटर को अटैच करते हैं और इसकी स्कीम कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो शाफ्ट का पावर है उसको ट्रांसमिट कर देता है डायनामोमीटर में। और फर्दर आप आगे बढ़ करके डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का डायनामोमीटर है, किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है, आप उस पावर और कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन डायनामोमीटर है ये ज़्यादा सुटेबल है लार्ज पावर के मेजरमेंट के लिए। ठीक,
तो आगे अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहला जो है हमारा एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनेमोमीटर, ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ एपिसाइक्लिक ट्रेन ऑफ गियर्स। अब ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में तीन गियर हैं, एक ऑरेंज कलर का है, दूसरा ब्लू कलर का है और तीसरा आप कह सकते हैं कि मैं इसको ग्रे मान रहा हूँ, ग्रे कलर का है, ठीक है। तो इस तरह के तीन गियर के सिस्टम को आप सन प्लैनेट सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाइज करना हो सन कौन तो कौन होगा, तो सन जो है आपका ये जो बाहर वाला रिंग है वो एनुलर रिंग जो है उसको आप सन बोलते हो और भीतर वाले को प्लैनेट बोलते हो। लेकिन अब यहाँ पे आपको ज़रूरत है तीनों को अलग अलग नाम देने की, तो आप बाहर वाले रिंग का नाम देते हैं जो सन रिंग है उसको आप बोलते हो कि ये जो है एनुलर रिंग है या फिर गियर है, एनुलर गियर है। बीच वाला जो ऑरेंज कलर का गियर है उसको आप स्पर गियर बोलते हो, और स्पर गियर से जो कनेक्टेड है जो कि स्पर गियर और एनुलर गियर के बीच में पावर का ट्रांसमिशन कर रहा है उसको आप बोलते हो पिनियन गियर, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको सन प्लैनेट सिस्टम क्यों बोला। यहां पर अगर आप किसी भी एक गियर को फिक्स कर दें, ठीक है, सपोज करिए कि एनुलर गियर को फिक्स कर दिया और तब मूव कराने की कोशिश की, तो ये जो है दोनों के दोनों गियर इसके एनुलर गियर के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे। अब यहाँ पे एक लीवर को भी देख लीजिए, जो रेड कलर की जो स्ट्रिप है वो लीवर है, लीवर इस पॉइंट पे पिन है ऑरेंज वाले से और ब्लू वाले से यहां पर इस पॉइंट पे पिन है, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि एनुलर को अगर आप रोक दो तो पिनियन और ये वाला ऑरेंज स्पर गियर दोनों इसके रिस्पेक्ट में मूव करेंगे। अगर आप पिनियन मतलब ये ब्लू वाले को रोक दो तो ऑरेंज वाला और ग्रे वाला उसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा। अगर आप ऑरेंज वाले को रोक दो जो कि हमारा स्पर गियर है, तो हमारा ब्लू वाला जो कि पिनियन गियर है और एनुलर गियर है वो ऑरेंज वाले के रिस्पेक्ट में मूव करना शुरू करेगा। तो ये वाला जो हमारा एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनेमोमीटर का जो कंसेप्ट है वह स्पर गियर को ही रोकने की कोशिश करता है। इनफैक्ट अभी एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि एनिमेशन में यहाँ पे पिन कर दिया गया है इस आपको जो स्पर गियर है उसको, तो आप मैनुअली घुमाने की कोशिश करते हो, देखते हैं कि कैसे इस स्पर गियर के रेस्पेक्ट में पिनियन और एनुलर की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने मैनुअली देखा कि कैसे आप मूव कर रहे हो, तो स्पर गियर फिक्स करने के बाद कैसे पिनियन और एनुलर मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको एज ए डायनेमोमीटर किसी शाफ्ट का पावर मेजर करने के लिए यूज करते हो, तो इस पॉइंट पे पिन ना करके आप क्या करते हो कि इस जगह पे इस एक्सिस को फिक्स कर देते हो शाफ्ट के साथ, ताकि ये भी मूव कर सके अपने एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस के अबाउट अगर ये मूव करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो ये तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और ये दोनों क्या करेंगे, रोटेट भी करेंगे और इसके सेंटर के अबाउट मूव करेंगे, तो रिवॉल्व भी करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लू वाला है ये इस पे रिवॉल्व करने लगेगा चारों तरफ और ये भी आपस में मूव करने लगेगा, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट को आप एपिसाइक्लिक ट्रेन में इस्तेमाल करते हो। तो इसका ओरिजिनल स्कीमेटिक डायग्राम को हम देखने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड में। देखिए ये हमारा स्पर गियर है जो कि पॉइंट ओ पे शाफ्ट का जो एक्सिस है, पॉइंट ओ शाफ्ट का एक्सिस है उसी से वो कनेक्टेड है। मतलब शाफ्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो स्पर गियर भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, शाफ्ट क्लॉकवाइज मूव करेगा तो स्पर गियर भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब पूरी तरह से शाफ्ट से कनेक्टेड है। और ये यहाँ पे लीवर, इस पॉइंट ओ पे लीवर, स्पर गियर और वो शाफ्ट जिसका आपको पावर मेजर करना है, तीनों के तीनों ही आपस में कनेक्टेड है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर सी। सी पे देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लीवर, ये जो लंबी वाली लीवर है, लीवर और ये कनेक्टेड है। ये कौन सा गियर है, पिनियन गियर है, इसको हमने ए नाम दिया है पिनियन गियर को, तो मतलब ए गियर नंबर ए और लीवर कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने तीत को नहीं दिखाया गया, राउंडेड डायग्राम बना, लेकिन ये तीत होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है। और जो बाहर वाला एनुलर है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इस पिनियन गियर के तीत के थ्रू ही ये मूव कर रहा है, ये लीवर से कनेक्टेड नहीं है बाहर वाला एनुलर रिंग, ठीक है। अब फिलहाल के लिए इस वेट को भूल जाइए, वेट नहीं है, ठीक है, और किसी भी तरह का कोई रोटेशन नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि ये यहाँ पे इस तरफ जो लीवर है, लीवर की लेंथ ओ से इधर ज़्यादा है, राइट साइड का जो लेंथ है वो ज़्यादा है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट लेंथ है वो कम है, तो इधर का वेट भी ज़्यादा होगा अगर यूनिफॉर्म मटेरियल का बना हुआ है। तो अब आप इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट लगाते हैं, ठीक है। काउंटर वेट लगाने के बाद ये लीवर आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वाला जो
वेट है डब्ल्यू वेट, इसको तो आप भूल ही जाइए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये तो हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो अब ये लीवर बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कोई मोशन कहीं भी तरह का, कोई भी शाफ्ट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब आप क्या करते हैं कि शाफ्ट जिसका आपको पावर मेजर करना है उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, और सपोज करिए कि वो मूवमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज शाफ्ट का मूवमेंट है तो स्पर गियर चूंकि शाफ्ट से कनेक्टेड है तो स्पर गियर भी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा तो अब हम देखते हैं कि पिनियन कैसे मूव करता है। ये वाली डायग्राम में देखिए, आप देखिए स्पर गियर को हमने ड्राइवर गियर बोला, और पिनियन चूंकि ड्राइवर गियर ये शाफ्ट के द्वारा ड्रिवन हो रहा है, और पिनियन को मैंने बोला ड्रिवन गियर। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर उल्टा बी ए है, उससे मतलब नहीं है, इस ए और बी को आप भूल जाइए, इस बी और ए को याद रखिए, ठीक है, उससे कोई खास मतलब नहीं। तो इस तीथ पे फोकस करिए जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए ये ड्राइवर गियर का तीथ यहाँ पे है, ये वाला तीथ ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इधर धकेलने की कोशिश करेगा, और ये जो ड्रिवन गियर का तीथ है इधर, मतलब अगर आप ऐसे देखें तो ये अगर ये वाला उंगली ड्राइवर गियर के, तो ये इसको ये ड्रिवन गियर है, तो ये ऐसे कुछ इस तरह से धकेलने की कोशिश करेगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो ये वाला चीज क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। इस बात को एनिमेशन में भी देख लेते हैं, देखिए कैसे ड्राइवर गियर जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ड्रिवन गियर जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। अब आगे, अब यहां पर तुम्हें पता चल गया कि ये वाला चीज इस पे जो है ड्रिवन गियर को इधर मूव कराएगा। तो अब ये ड्रिवन गियर मतलब पिनियन गियर जो है गियर नंबर ए इस तरफ मूव करा है इसे क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ऐसे ऐसे मूव करते 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 ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, किसके ऊपर, ये जो स्पर गियर है जो सबसे आउटर स्पर सॉरी एनुलर गियर जो है उसके ऊपर ये चाहेगा कि ये पूरा ये लीवर को लेते हुए पूरा ऐसे रिवॉल्व कर जाए, हम इस तरह से रिवॉल्व करने की कोशिश करेगा, मतलब ये मूव करते करते इधर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये जब इधर मूव करेगा इसका तीथ, तो ये जो आपका बाहर वाला एनुलर है मतलब ये इधर मूव कर रहा है, तो बाहर वाला एनुलर भी जो है इसके साथ है ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स जो है अंदर में है, ये दोनों गियर एनुलर के अंदर में है। तो ये वाला इधर मूव किया तो एनुलर भी इधर भी मूव किया, मतलब दोनों के दोनों ही क्लॉकवाइज मूव किए। अब जरा फोर्स वाली बात को समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये जो फोर्स एफ 2F और F दिखाया गया तो वो क्या चीज है। देखिए दोनों, अब फोकस करिए स्पर गियर को और पिनियन को, मतलब गियर नंबर B और A को फोकस करिए। तो क्या हो रहा है, गियर नंबर B मतलब स्पर गियर जो ड्राइवर गियर है वो क्या कर रहा है, देखिए इधर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, किस पे, इस पे स्पर गियर पे, मतलब ड्रिवन गियर पे ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स हमने ऊपर की तरफ देखा है, ये जो डायरेक्शन है फोर्स का, ये जो F 2F और F दिखाए गए, ये सारे के सारे इस वाले इस पे दिखाए गए हैं, कौन सा है, पिनियन पे। तो पिनियन पे ये F फोर्स इधर लगा, ठीक है, अब पिनियन पे F फोर्स इधर लगा। दूसरा ये वाला चीज देखिए, अब इस पिनियन ने वाप इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लगाया, किस पे, एस्पर गियर पे, क्योंकि ये ऐसे क्लॉकवाइज मूव करा तो ये नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, तो वापस से न्यूटन्स लॉ की मदद से ये क्या करेगा, जो आपका एनुलर गियर है ये इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये जो राउंडेड व्हील है, जो पिनियन है, इस पे एक फोर्स तो स्पर गियर लगा रहा है और दूसरा फोर्स जो है इस पे लगा रहा है, कौन, एनुलर गियर। अब ये दोनों फोर्स, चूंकि ये जो पिनियन गियर है ये इस लीवर पे इस एक्सिस पे लग रहा है, तो ये जो फोर्स जो इसके किनारे पे लग रहा है वही वाला फोर्स इस लीवर पे भी लगेगा, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। तब क्या होगा, जब ये फोर्स 2F लगने लगा तो ये लीवर मूव करने की कोशिश करेगा ऊपर ऐसे, अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे दो स्टॉप्स लगा दिए ताकि ये ऐसा ना हो कि ये पूरा डंडा जो है ये पूरा यूं उठता चला जाए, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। तब आप वेट डालना शुरू करोगे, अब जो डब्ल्यू वेट है वो अकाउंट में आया, वेट डाला तब भी ये थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा और वेट डाला, थोड़ा और वेट डाला, इतना वेट डाला कि ये वापस से जो लीवर है फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अब जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो इक्विलिब्रियम पोजिशन हमें मिल गई, किसकी, ये जो हमारा लीवर है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई। अब देखिए क्या हो रहा है, 2F इधर लग रहा है और F जो W वेट है वो इधर लग रहा है, मतलब लीवर, अब सिर्फ लीवर को फोकस में दीजिए, लीवर तो पहले से बैलेंस था, ये वाला लेंथ जो है राइट वाला लेंथ जो है बैलेंस कर रहा था ये छोटे से लेंथ और प्लस इसको, लेकिन अनबैलेंस किसके कारण क्रिएट हुआ था, ये 2F के कारण अनबैलेंस क्रिएट हुआ था, उसको हमने कैसे काउंटर बैलेंस किया, वेट W को रख करके बढ़ा बढ़ा करके एडजस्ट करके।
तो अब फिलहाल तो हमारा ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो लीवर को फोकस करेंगे तो लीवर पे एक फोर्स लग रहा है नेट फोर्स 2F उस तरफ ऊपर की तरफ, और W जो है W के करस्पॉन्डिंग वेट जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो चलिए टॉर्क बैलेंस करते हैं। देखिए तो 2F ऊपर की तरफ लग रहा है, तो 2F और W जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो W कहाँ पे लग रहा है, इस जो रोटेशन का एक्सिस जो है वो O है, ठीक है, O के अबाउट जो है लीवर रोटेट कर सकता है, तो O से W तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल L है, तो जो टॉर्क लगेगा करस्पॉन्डिंग वो कैसा रहेगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना लगेगा, L क्रॉस W साइन थीटा, तो मतलब अगर L वेक्टर लिया जाए और W वेट को भी एक वेक्टर लिया जाए तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो L W 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, तो L W लग गया, मतलब L मल्टीप्लाइड बाई W। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन लिखा है बल्कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखे, तो W मल्टीप्लाइड बाई L भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, L मल्टीप्लाइड बाई W या W मल्टीप्लाइड बाई L। तो ये है हमारा क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाला 2F, 2F के कॉरस्पॉन्डिंग जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो कितना लग रहा है, ये लेंथ हमें देखना पड़ेगा, O से A की लेंथ, O से सॉरी C की लेंथ क्या है, L1 है, स्मॉल L1 है, तो इस पर क्या लगेगा, L1 क्रॉस 2F, दैट वो जो है ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, L1 मल्टीप्लाइड बाई 2F साइन 90 डिग्री के, फिर से साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो L1 मल्टीप्लाइड बाई 2F, इसको वैसे लिख दिया 2F मल्टीप्लाइड बाई L1, कोई बहुत बड़ी ज्यादती मैंने नहीं की क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वेक्टर वाला कंसेप्ट नहीं यूज रहा बल्कि जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ना कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो F कितना मिला इस इक्वेशन से हमें, ये बाकी सारे मसाले को उस तरफ ले गए, तो F मिल गया हमें कैपिटल W मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई 2L1, ठीक है। तो हमें फोर्स मिल गया, देखिए मैंने कहा था कि टॉर्क अगर आप मेजर करने जाएंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फोर्स मिल गया। अब हमें टॉर्क निकालना है, यहाँ पे भी हमने ब्रेकिंग टॉर्क बोला कि अगर इतना टॉर्क अगर आप लगा दे तो वो जो चीज है वो रुक जाएगी, अगर आप डायरेक्टली उस शाफ्ट पे लगा दे तो, इसलिए ब्रेकिंग टॉर्क भी इसको बोलते हैं, तो सिंपली आप टॉर्क याद रखें, तो टॉर्क हमें निकालना है किसकी, उस शाफ्ट की जो मूव कर रहा है। तो अब जो है आपका शाफ्ट से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, एस्पर गियर, तो एस्पर गियर को फोकस कीजिए, देखिए एस्पर गियर को आपने फोकस कर लिया, ठीक है। एस्पर गियर के एस्पर गियर ने इस पिनिनियन गियर पे एफ फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, तो पिनिनियन भी चुपचाप तो नहीं बैठेगा, उतना शरीफ थोड़े है, तो वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, बोले कि न्यूटन्स लॉ मैं भी फॉलो करूंगा, तो उसने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो इस वाले एस्पर गियर ही जो है वो आपका ड्राइविंग गियर है, वही जो है शाफ्ट से कनेक्टेड है, उस पे एफ जो है फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या टॉर्क लगेगा, अगर ये हमें रेडियस मालूम हो जाए, हमने कहा कि ये वाला एस्पर गियर का नाम हमने बी दिया है, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस जो उसका नाम दिया आर बी, तो हमने कहा कि आर बी क्रॉस एफ, तो क्या होगा, आर बी एफ साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो फिर से वही हो जाएगा आर बी मल्टीप्लाइड बाई एफ, उसको भी एफ मल्टीप्लाइड बाई आर बी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो टॉर्क हमारा निकल के आ गया F मल्टीप्लाइड बाई आर बी, ठीक है। इस प्रकार आपने डायनेमोमीटर की मदद से टॉर्क का मेजर, टॉर्क जो है शाफ्ट का टॉर्क मेजर कर लिया। अब अगर आप फर्दर इंटरेस्टेड हैं पावर मेजर करने में, तो आप याद करिए कि जब लिनियर मोशन होता था तो एक फोर्स लगता था, फोर्स लगता था तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होता था, तो उसका हम पावर कैसे मेजर करते थे, एफ डॉट एस, पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एफ डॉट प्रोडक्ट, वो जो एस आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम रोटेशनल इक्विवेलेंट को लें तो क्या होगा, एफ का रोटेशनल इक्विवेलेंट आपका टॉर्क हो जाएगा, और जो एस है जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क थीटा अगर हम मेजर कर लें तो हम कह सकते हैं पावर मेजर कर लिया, और उसको पर सेकेंड में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा बिल्कुल पावर मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो माना कि कैपिटल एन उसकी जो रोटेशन है, मतलब शाफ्ट की रोटेशन कैपिटल एन है, ठीक है, कैपिटल एन रोटेशन है पर मिनट, मतलब n कैपिटल n जो है RPM रोटेशन पर मिनट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि n रोटेशन पर मिनट है तो कितना एंगल वो मूव किया होगा रेडियन में, तो मान लीजिए एक रोटेशन पर मिनट, मतलब एक बार रोटेट किया तो कितना रेडियन मूव किया, 2 पाई किया, दो बार रोटेट किया तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, तीन बार रोटेट किया तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, और n टाइम्स रोटेट किया तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एन रेडियन मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू
2 पाई एन है पर मिनट, इतना रेडियन वो पर मिनट मूव कर। लेकिन आपको पता है कि पावर जो है आप स्मॉलेस्ट यूनिट में मतलब पर सेकंड में व्यक्त करते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 2 पाई कैपिटल एन डिवाइडेड बाई 60, ये क्या हो गया, इतना रेडियन जो है पर सेकंड मूव किया। कौन मूव किया, आपका शाफ्ट मूव किया, ठीक है, क्योंकि वही स्पर्गियर के साथ लगा, तो जितना स्पर्गियर मूव करेगा उतना, जितना शाफ्ट मूव करेगा उतना स्पर्गियर मूव करेगा, तो स्पर्गियर का करें या शाफ्ट का करें बात बराबर है। तो 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60 ये हो गई थीटा की वैल्यू। उसको जो ऊपर में टॉर्क हमने कैलकुलेट किया, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पावर जो है इतना वॉट में आ जाएगा, क्योंकि पर सेकंड में आएगा ये चीज, तो वॉट में आ जाएगा, तो ये हमारा पावर मेजरमेंट होगा। देखिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि डायनेमोमीटर के दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके का डायनेमोमीटर है, एक एब्जॉर्प्शन दूसरा ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए छोड़ो, ट्रांसमिशन को पढ़ो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसमिट होता है, तो उसके दो तीन वेरियस टाइप्स थे, जिसमें हमारा पहला था एपीसाइक्लिक ट्रेन। तो हमने एपीसाइक्लिक ट्रेन की मदद से अभी टॉर्क और पावर का मेजरमेंट कर लिया। तो आगे क्या करेंगे, हम आगे हम इसके पार्ट टू की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम इस डायनेमोमीटर के चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, समाप्त करेंगे। उस चैप्टर में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बाकी इसके बचे हुए जो ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर है उसके बाकी बचे हुए दो टाइप्स कैसे हैं, मतलब बेल टाइप और टॉर्जन टाइप वो कैसे हैं, उसके अलावा गेट ने 2012 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है डायनेमोमीटर पे, इन चीज़ों को देखेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और इंजॉय करिए अपने लाइफ को। गुड बाय।